हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। गर्मी का मौसम आ चुका है और ऐसे मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी पीना किसे पसंद नहीं आता, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ मेरी फेवरेट फ्लेवर वाली लस्सी की रेसिपी शेयर की जाए, जो बहुत ही आसान है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। सबसे पहले हम रोज़ फ्लेवर वाली लस्सी तैयार करेंगे, जो मेरी सबसे फेवरेट है। और इसके लिए हमें चाहिए दही। यहाँ मैं आधा कप दही ले रही हूँ, ये फ्रेश दही है, बहुत खट्टा नहीं है। और इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी, और इसी के साथ मैं होममेड रोज सिरप डाल रही हूँ और डालूंगी थोड़ा सा पानी, और इसे मिक्सचर में पल्स मोड पर फेंट लेंगे। अब मैं एक ग्लास में बर्फ डाल रही हूँ। अगर आप बर्फ लेना चाहते हैं तो इसमें बर्फ ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब डालूंगी इसमें तैयार किया हुआ लस्सी। तो लीजिए, कुछ ही मिनटों में रोज फ्लेवर वाली लस्सी बनकर तैयार है। और अब मैं बनाऊंगी सबकी फेवरेट मैंगो फ्लेवर वाली लस्सी। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं मिक्सर के जार में डाल रही हूँ आधा कप दही, चीनी, और पके हुए आम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसे डाल दिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी आम लस्सी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और डालूंगी थोड़ा सा पानी पल्स मोड पर, इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब ग्लास में बर्फ डालकर तैयार किया हुआ मैंगो वाला लस्सी इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बर्फ यूज किया है, आप चाहें तो बर्फ को स्किप भी कर सकते हैं। और ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ आम। तो कुछ ही मिनटों में हमारी दो अलग फ्लेवर वाली लस्सी बनकर तैयार हो गई है। तो ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और एक बार इसी तरीके से बनाकर आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।